फ्रॉम फ्रिक्शन हमें स्टार्ट करना था आज, है ना। न्यूटन लॉ कंप्लीट हो गया, उसका एक आधा क्वेश्चन न्यूटन लॉ का भी बीच में कर लेंगे, इसी इसमें आ ही जाते हैं अपने आप। फ्रिक्शन असल में न्यूटन लॉ का ही पार्ट है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन दिया मैंने एक आपको, है ना, वहीं से स्टार्ट होगा फ्रिक्शन। एक क्वेश्चन ये बनाओ फिगर एक बार, अभी नीट का रिजल्ट भी अनाउंस करेंगे और आपका भी रिजल्ट आया हुआ है ना, ये बच्चे आ जाएंगे उधर से। आपका 140 मार्क्स का पेपर था, है ना, मोशन इन 2D और NLM का। इसमें अच्छे नंबर है सबके, क्योंकि NLM आसान था, है ना। तो IAS से अविश त्यागी, मैं टॉप 5 कर रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं। अविश त्यागी एंड मधुसूदन राजपूत 135 आउट ऑफ, हाँ नहीं मुझे पता है वन कौन कौन है, मुझे सबके नाम शक्ल अब याद हो चुके हैं, ठीक है। 140 अगर कोई होगा तो मैं खुद पूछ लूंगा, ठीक है। 140 में से 135 है। सेकंड है आस्था बंसला और निवेश 130। थर्ड तनिष्का सेन, काजल और श्रेया जंतवाल 125। फोर्थ रैंक अर्णव अग्रवाल 121। फिफ्थ अनुष्का गुप्ता, आयुषी और आकाशदीप, है ना। बस मैं अभी इतने अनाउंस कर रहा हूँ, फिफ्थ रैंक 120। आगे भैया प्रखर जैन है, अंशुमन चौधरी, कुणाल सांगवान, श्रेया त्यागी, अर्जुन, है ना, साक्षी, अंशिका, चलो ये सब है ना। अच्छे हैं सबके मार्क्स इस बार, और 110 रैंक पर, एक 10th रैंक 110 नंबर पे है, ठीक है, आउट ऑफ 140। कंपटीशन तो बहुत ज्यादा हो गया है, अभी शायद बच्चे अभी उधर है तो जब आएंगे, या मैं भेजा भी आपको ग्रुप पर भी, तो आप ऐसे लगाओ कि 665 पर दो बच्चे हैं यहाँ पर, उन दोनों की रैंक है, एक की है 2105 है ना, और एक की है 2201, एक ही नंबर पर, मतलब 100 रैंक का अंतर है, नंबर सेम है, तो इस वाले एक ही नंबर पर कितने लोग हैं, 100, है ना, तो 100 एक ही नंबर पे, ठीक है। तो कंपटीशन काफी ज्यादा है हर जगह, भाई 18 लाख लोग बैठ रहे हैं, तो बहुत ज्यादा कंपटीशन है, तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब ये बात नहीं, हम जितना सोचते हैं ना उससे हमारे बार थोड़ा कम करते हैं, इस बार पेपर हार्ड है, शायद कट ऑफ कम चली जाए, बट कम नहीं जा रही कट ऑफ, फिर वही है 608 नंबर पर 17,000 रैंक है, 17 पे जस्ट मिलेगा कॉलेज, है ना, मिल जाएगा 17 वाले, 17,000 वाले को मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ अगर वो होता है कि वो प्राइवेट सीट्स पर अगर आपको 50%, है ना, गवर्नमेंट फीस पर अगर लेते हैं जो भी कोर्ट में चल रहा है, तो एक अलग बात है, तब तो कट ऑफ बहुत कम हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर अदरवाइज अगर हम देखें जो प्रॉपर गवर्नमेंट कॉलेज है, तो उनकी कट ऑफ करीब करीब अब तो ही मानो आप, और यही पिछली बार का थोड़ा कम तो किसी को स्टेट में मिल जाता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन आप ये एवरेज रेंज मानो, मतलब 600 पर आप सेफ हो। और सभी टीचर गलत हैं, सभी ने गैस करा था 585 आएगी, 590, है ना, 580, तो वही, लेकिन कट ऑफ कम हो नहीं रही है, तो पढ़ना पड़ेगा, मतलब आप जितना सोचते हो उससे ज्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, तो हम जो बोलते हैं ना बहुत पढ़ो, उससे भी ज्यादा पढ़ना पड़ेगा। अब है तो है कंपटीशन, जो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा, अभी बच्चों से मिले होंगे आप, है ना, तो आपको अभी दोबारा मिलोगे फिर से, ठीक है, तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा, कंपटीशन तो है। करो जरा आप क्वेश्चन, आपसे पूछा गया है इसमें एक्सीलरेशन बताओ, फाइंड एक्सीलरेशन ऑफ द ब्लॉक। आवाज नहीं, कोई आंसर नहीं करेगा, अपने आप करो, फिर हम डिस्कस करेंगे। ग्यारह तारीख को एडवांस का रिजल्ट आएगा, तो उसमें भी हम मिलवाएंगे बच्चों को बीच बीच में, है ना। तो आपको एक अपने क्वेश्चन आप पूछा करो कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सब चीजें।
वैसे तो मोटा मोटा मैं सब चीज बता ही देता हूँ आपको जो टॉपर बच्चे करते हैं। करो जरा एक क्वेश्चन ट्राई करो। जो भी आंसर देना चाहता है हाथ खड़ा करें, है ना, जो भी आंसर देना चाहता है बस अभी नीचे कर लो, मैं देखिए और ट्राई करने दो सबको, टाइम लेने दो, थोड़ा बहुत आपको देखो इसके लिए पुरानी नॉलेज चाहिए, अभी मैंने नहीं पढ़ाया फ्रिक्शन, लेकिन आपको इतना तो आप सब 12th करके आए हो, सबको बताए कि फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है ना, उतनी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। अब आ रही है वॉइस, क्लियर है भाई, बताओ वॉइस आ रही है, वॉइस क्लियर है, चलो मैं आंसर कर रहा हूँ। अब आप कितने लोगों का आंसर अब आ गया फाइनल, चलो देखते हैं सही है गलत है क्या है। आपने 10 न्यूटन फोर्स लगाई है, ठीक है, और फ्रिक्शन कितना है हमारे पास, चलो एक काम करो, रुको रुको, इसको 0.5 लेना, अब करना जरा दोबारा 0.5 करो, अब करो, पॉइंट फाइव करके फिर सॉल्व करो। आप कितने लोग आ गया, चलो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, है ना, कर लो आप आराम से। फ्रिक्शन के बारे में पहले आपको थोड़ा हिंट भी दे रहा हूँ, अभी पढ़ना ही फ्रिक्शन हम शुरू कर रहे हैं। फ्रिक्शन इतना तो याद होगा, म्यू टाइम्स एन, सबको बताए फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू टाइम्स एन, और म्यू कितना है 0.5, और नॉर्मल कितना है 50, है ना, नॉर्मल कितना होगा 50, म्यू कितना है 0.5 और नॉर्मल की वैल्यू कितनी है 50, क्लियर आया फ्रिक्शन 25, तो फ्रिक्शन आ गया 25, क्या करूं अब, ये 25 किधर लगेगा, पीछे, तो 25 पीछे लगा दो, आगे कितनी फोर्स है 10, पीछे कितनी है, तो नेट कितनी हुई 10 माइनस 25 डिवाइडेड बाय, तो कितना आया -15/, तो कितना आंसर हुआ, कितना आंसर है -3, यही करा है, आज जिन्होंने ये करा है उनका ही गलत है, करा है बहुत लोगों ने, है ना, पहले गलत करना जरूरी है, -3, मतलब आपने एक ब्लॉक को आगे खींचा और वो चला किधर गया, पीछे, ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा तुम कर दो तो फिर तुम्हें यहाँ बैठने की जरूरत नहीं है, फिर तो तुम बस तुम ही तुम हो फिर, है ना, और तो कोई है ही नहीं भाई, ब्लॉक को आप खींच, मैं कुर्सी को खींच आगे रहा हूँ, जा पीछे रही है ना, तो ये पॉसिबल है, तो गलती क्या है, फ्रिक्शन की एक प्रॉपर्टी ये भी है, फ्रिक्शन की जो वैल्यू आप लिखते हो ना, यहीं से शुरू करेंगे बस फ्रिक्शन के बारे में, पहले ही जान लें कि ऐसे गलती हो सकती है इसमें, फ्रिक्शन में ऐसी गलतियां हो सकती हैं, तो फ्रिक्शन अगर आपका जो म्यू एन लिखते हो आप, ये जो फ्रिक्शन आप म्यू टाइम्स नॉर्मल लिखते हो, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होती है, क्या होती है, मैक्सिमम वैल्यू, ये फ्रिक्शन की क्या होती है,
मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो है वो बेसिकली आपकी क्या है, म्यू टाइम्स नॉर्मल। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन क्या है, म्यू टाइम्स नॉर्मल, और नॉर्मल की वैल्यू यहाँ पे 50 है। ये मैक्सिमम वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, एक प्रॉपर्टी है, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एडजस्ट कर सकता है। तो एक्चुअल में फ्रिक्शन की जो वैल्यू होती है वो जीरो से लेके म्यू टाइम्स नॉर्मल होती है। मतलब इस क्वेश्चन में जीरो से लेके कितनी, 25, इस बीच अपने आप को फ्रिक्शन क्या कर सकता है, एडजस्ट कर सकता है। फ्रिक्शन अपने आप को इस बीच में क्या कर सकता है, एडजस्ट। तो ये फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी होती है। सर एडजस्ट करता क्यों है फ्रिक्शन, देख पहले तो समझ लो, फ्रिक्शन की वैल्यू जो आप निकालते थे आज तक म्यू टाइम्स नॉर्मल, वो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम होती है। क्या होती है, मैक्सिमम। पहली बात तो ये समझनी है, काम की बात पकड़ेंगे सीधा, हम बच्चों की तरह थ्योरी तो पढ़ेंगे नहीं, है ना। तो म्यू टाइम्स नॉर्मल होती है फ्रिक्शन की वैल्यू, और वो कितनी है, 25 इस क्वेश्चन में। फ्रिक्शन अपनी वैल्यू लेकिन 25 से 0 के बीच में कहीं भी ला सकता है, ठीक है। तो ऐसा करता क्यों है फ्रिक्शन, अपनी वैल्यू कम क्यों लेता है, करना क्या चाहता है, कोई ब्लॉक को आप खींचते हो तो फ्रिक्शन क्या चाहता है, बॉडी को रेस्ट में जाता है, पक्का। आपने ये देखा होगा कि एक ब्लॉक है, या आप अभी अपने अपने कॉपी पर भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, उस पर आप एक और ब्लॉक रखो, ठीक है, और इस वाले को खींचो, इस वाले को क्या करो, खींचो इस वाले ब्लॉक को, तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक भी मूव करेगा, ये वाला ब्लॉक भी क्या करेगा, मूव करेगा, ठीक है। चलो एक बार मैं बच्चों से मिलवाऊंगा तुम्हें पहले, तो उसके बाद पढ़ाई करेंगे। इस बार मेरे 65 मार्क्स आ रहे हैं ओवरऑल, और फिजिक्स में 170 मार्क्स आ रहे हैं। तो मेरी जो दो क्वेश्चन जो गलत हुए मेरे जल्दबाजी के हुए हैं, मैंने ऑप्शन था, मैंने फोर्थ सॉल्व नहीं किया था, थर्ड पे ठीक किया जल्दी है, थर्ड ऑप्शन लगा। तो कभी ये मत कीजिएगा सारे अच्छे सॉल्व करना, और अभी फिलहाल अगर आप नए हो तो टाइम की फिक्र मत करो, जो आप पेपर देते हो सही करने की कोशिश करो, स्पीड अपने आप ऑपरेशन स्पीड होती है, क्या ना गलत ना हो, ऐसे करना बिल्कुल उसमें गलत होने के चांस होते हैं, ऐसा मत करो, सही तरीके से चलो आगे बढ़ो। ये बताओ कि आप कितने, और थोड़ा माइक पास पास करना, कितने आवर्स पढ़ते थे, मतलब कितने घंटे पढ़ते थे? 14 आवर्स। मैं पूछता हूँ क्योंकि मैं माइक दूंगा, तो 14 आवर्स पढ़ना मजाक है? अरे पढ़ता था ये बच्चा, है ना, मेहनत करी, और ये सब उस टाइम पर समझो जब टाइम सबके लिए डिफिकल्ट चल रहा था, ठीक है। और एक चीज और बताओ, एग्जाम में आपने पहली बाद में करी, और कितना टाइम लगा तीनों सब्जेक्ट्स में? बायोलॉजी मेरी 45 मिनट्स में हो गए थे क्वेश्चन सारे, और 10 मिनट्स में बबल्स कर देते थे, तो 55 मिनट्स में कंप्लीट हुई, 5 मिनट में लेट गया था पेपर, तो एक घंटा ये हो गया पूरा। फिर फिजिक्स और केमिस्ट्री ओवरऑल मिला के टोटल मेरा 2 घंटे 55 मिनट में हो गया था, तो 20 मिनट मेरी खाली बची थी लास्ट में, पर है ना मैंने थोड़ी जल्दी की है, इसलिए मेरे जो गलत। तो ये भी आपको सीखना चाहिए कि टाइम का पूरा यूटिलाइजेशन करना चाहिए, और नोटिस करो आप लोगों में से बहुत लोगों ने बायो या जो भी आपका सब्जेक्ट है, मतलब पहले जो भी करा होगा, पहले सब में हम बहुत ज़्यादा टाइम दे देते हैं, जो पहला सब्जेक्ट हम अटेंड करते हैं ना जनरली, उसने केवल 50 मिनट, कितना 55 मिनट ना, तो 55 मिनट में वो अटेम्प्ट कर लिया, वो बड़ा बेनिफिशियल हो जाता है। जब आप पहला सब्जेक्ट बहुत फास्ट कर लेते हो, कोई भी हो सकता है, ठीक है। ये श्रेयस प्रधान है ना, और बहुत ही हाईएस्ट मार्क्स इसी के हैं, है ना, 678, है ना, रैंक 927, 678 पे भी 927 रैंक आ रही है ना, और जब 681 थे शायद आपके भाई के, नहीं आपके बड़े भाई के, हाँ 690 थे, और बल्कि 680 वाले के भी 89 रैंक थी, है ना, आर्यन बंसल के ऐसी कुछ थे उसके 81-82, तो आप देखो जब 89 रैंक, आज 927 रैंक 4 साल बाद, तो कहने का मतलब है कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है। चलो मैं पूछता हूँ आएगा अपने बारे में, मैं श्रेयांश प्रधान हूँ, और मार्क्स आप बता दिए सर ने, फिजिक्स में मेरा स्कोर 171 है,
जो मेरे क्वेश्चन गलत हो, एक तो पार्ट सेवर्ट वाला हुआ है, मतलब थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन गलत होता है जनरली, तो इसलिए मैं कहना चाहूंगी एनसीईआरटी पढ़ो तो देखिए, मतलब बहुत मुश्किल है उसे पढ़ना, पर ट्राई करनी चाहिए क्योंकि उससे एक तो क्वेश्चन तो अटके जाते हैं, और अगर फुल स्कोर करना है तो एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी फिजिक्स की भी थोड़ी बहुत, मतलब पूरी तो कोई पढ़ नहीं सकता वैसे। बायो तो एक बायो में तो 1.5 घंटा लग गया था मुझे, फिर केमिस्ट्री में 50 मिनट लगे थे, फिर फिजिक्स मैंने कर दी थी 50 मिनट में, 1 घंटे में, फिजिक्स साल आसान आ गई ना तो उससे मैंने मतलब बैलेंस हो गया। पहले बायो में तो मैं होपलेस हो गया था, बायो में 1.5 घंटा लग गया, क्या होगा मेरा आगे, बट फिर बिलीव करो अपने आप पे कि आगे आसानी आएगी, और यही हुआ एंड में कि फिजिक्स हो गई, मतलब छुटा नहीं पेपर। नौ से 10 घंटे पूरी 11th 12th में, 2 साल लगातार, नहीं पूरा मिला, 2 साल पर लगातार करा। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम तन्मय गिल है एंड मेरे नीट में स्कोर 675 है एंड मेरी रैंक 1173 है एंड फिजिक्स में मेरा स्कोर 175 है। मेरा एक क्वेश्चन जो फिजिक्स में गलत हुआ वो रेक्टिफायर वाला एक सवाल था, जो कि ना सिर्फ फिजिक्स का बल्कि पूरे पेपर का ही मुझे लगता है सबसे ईजी क्वेश्चन था, तो वो गलत इससे हो गया था बिकॉज पेपर में मैं फिजिक्स में काफ़ी जल्दी करने लगा था, बिकॉज मेरे सवाल होने लगे थे फिजिक्स में, तो मेरे को लगा था ठीक है यार जल्दी कर लूँगा तो सही रहेगा अपना, तो जब गलत हुआ ना तो मेरे को फिर घर आके एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि जो एग्ज़ाम है आपका नीट का, ये इमोशंस दिखाने का नहीं, इमोशंस छुपाने का गेम है, सबसे बड़ी बात ये है। अगर आप दुखी भी हो रहे हैं, मतलब पेपर नहीं भी हो पा रहे हैं, तो भी अपना एक मेंटल बैलेंस रख के आपको बस करते जाना है, और पेपर हो रहा है तो उसमें खुश नहीं होना है। शायद मैं फिजिक्स में मेरे हो रहे थे सवाल, इससे खुश हो गया तो मैं बहुत जल्दी करने लगा फिर उसको, तो ये एक मिस्टेक थी। और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि फिजिक्स जो है वो ऐसा सब्जेक्ट नहीं है कि जो एक दिन में आ जाएगा, उसको समय देना पड़ता है। तो अब ये है कि घर पे जैसे मैं फिजिक्स पढ़ता था तो मेजॉरिटी टाइम, जैसे मैं जितना ही पढ़ता था उसमें से 50% टाइम मैं फिजिक्स को देता था एंड 50% टाइम केमिस्ट्री एंड बायो को मिलाकर देता था मैं, एंड मुझे यहाँ पर लगता है कि वो नेसेसरी भी था बिकॉज फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो इतना टाइम तो डिमांड करता ही है। एंड मुझे याद है 11th के इनिशियल डेज में तो मैं 2-3 दिन ऐसा था कि सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ी, 2-3 दिन ऐसा था कि सिर्फ मैंने फिजिक्स ही पढ़ता था मैं और उसमें केमिस्ट्री बायो में, इसलिए मेरे शुरू शुरू में नंबर थोड़े कम आ जाते थे, लेकिन उससे क्या हुआ था कि फिजिक्स में बाय द एंड ऑफ 11th मेरे पे ठीक ठाक कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ मैं कर लूंगा इसमें। एक बस मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, फिजिक्स में जो मेजोरिटी स्टूडेंट गलती कर देते हैं वो जैसे सर हैं और टीचर्स हैं वो शॉर्टकट्स बताते हैं पेपर सॉल्व, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करने के, जैसे काइनामेटिक्स में होता है कि डिस्टेंस कवर्ड इन दी एन एच सेकेंड, उसका एक फॉर्मूला होता है, तो वो सही है, वो फॉर्मूला पेपर के लिए है, लेकिन जब आप घर पे प्रैक्टिस करें तो लंबे मेथड से करें। अब क्या होगा, आपने घर पे काइनेमेटिक्स करी और आपने ये वाले मेथड से करा या फिर कोई और सवाल कर लिया कोई और चैप्टर का, वो शॉर्टकट से किया, तो लंबे समय में जब उसे शॉर्टकट से करते रहेंगे तो ऐसा हो सकता है आप कॉन्सेप्ट को मिस कर दें, बिकॉज आप देखिए एक फॉर्मूला लगा रहे हो आंसर आ रहा है ना, आप आगे बढ़ जाओगे। तो घर पे क्या था कि जैसे कभी कभी जो वर्क एनर्जी वाला चैप्टर होता है उसमें मैं पोटेंशियल एनर्जी वाली चीज़ें भी मैकेनिकल एनर्जी कंजर्व ना करके पूरी इन्फिनिटी से लेकर उस पॉइंट तक इंटीग्रेशन करके ही लाता था। अब जो सवाल 3 मिनट में करने वाला है वो मैं 15-20 मिनट में करता था। अब वो एग्जाम तो नहीं है जहाँ पर कोई समय देख रहा है, ना ही मुझे कोई जज करने वाला है कि यार इसने 3 मिनट का सवाल 15 मिनट में किया, तो इससे ये फायदा हुआ कि बाय द एंड मेरे पे शॉर्टकट्स तो थे एंड कॉन्सेप्ट जो थे वो भी मेरे क्लियर थे बिल्कुल, क्योंकि मैं ये वाली चीज़ें करता था। तो एक इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप घर पे फिजिक्स प्रैक्टिस करें तो कोशिश करें कि लंबे से लंबा मेथड करें ताकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट उसमें आपके आ जाएं। तो ये बात हम हमेशा बोलते ही हैं कि यहाँ भी क्लास में भी ये कराते हैं, पहले आपको क्वेश्चन क्या आता है कि ट्राई करो खुद, मतलब ये अल्टीमेटली ये कहना चाह रहा है खुद ट्राई करो, उसमें कम से कम टाइम दो, क्वेश्चन से लड़ने की आदत डालो शुरू में, जब लड़ते हो क्वेश्चन से तो आप
अपने आप ही बहुत सारे कंसेप्ट जनरेट करते हो, और ऐसी चीजें होती हैं जो आपके दिमाग में मतलब और फिर वो एग्जाम में एकदम से क्लिक करती हैं। शॉर्टकट तो करने ही पड़ेंगे, उसमें तो कोई दो राय नहीं। एग्जाम में नहीं, एग्जाम में भी वहां लड़ रहे हो, है ना, वहां नहीं, वहां आपको शॉर्टकट यूज करने हैं, नो डाउट। लेकिन आपका क्या होता है ना, ये जो इसका इसका करने का मतलब क्या है, बात कह रहा है, क्योंकि पेपर तो आसान ही आना है, पेपर हो सकता है वो कंसेप्ट कभी आए ना, जो सी का भी होगा, लेकिन आपकी ना माइंड की प्रोसेस बढ़ जाती है, आप बहुत फास्ट प्रोसेस करने लगते हो और क्वेश्चंस को फिर ओरली कर पाते हो, है ना। वो प्रोसेस बढ़ाने के लिए आपको अभी शुरू में, हम हमेशा कहते हैं फिजिक्स को ज्यादा टाइम देना, तो ये ज्यादा टाइम बच्चों ने दिया। और एक चीज और है, ये अपने डाउट एटलीस्ट 11th में मुझे लगता है बहुत डाउट पूछे इन्होंने ना, वो भी लोग डाउट बहुत पूछते थे, अपने डाउट इन्होंने बिल्कुल क्लियर करे। ये सब वो लोग हैं जिनके 660 से ऊपर है, अभी और भी बहुत बच्चे हैं जिनके बीच में आ रहे हैं, 640 630 है ना, इस तरह से। तो कहने का मतलब है कि अपने डाउट सारे पूछो, इसके भाई ने भी हमेशा डाउट पूछे, उसी रेंज में मार्क्स हैं करीब करीब, बट इस बार कॉम्पिटिशन इतना हाई है कि 1000 के ऊपर चला गए, अदरवाइज 690 थे इसके ब्रदर के, उसके 27 रैंक थी, है ना। तो कहने का मतलब है अब, और ये डाउट इसने भी हमेशा पूछे, है ना, और मैंने हमेशा बोला कि भाई कभी भी मैं फ़ोन, जनरली आप भेजते हो तो 24 घंटे के अंदर, कभी कभी जल्दी भी, है ना, कोशिश करते हैं हम आपके डाउट भेजने की। अपने कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर करो, लेकिन पहले क्वेश्चन से लड़ो, उसके बाद, ठीक है। मेरा नाम श्रेया त्यागी है और मेरे फिजिक्स में 170 आए थे, जो तन्मय ने बोला लॉन्ग आंसर्स, मतलब लॉन्ग मेथड का, मैं वो ही करती थी और मेरी ये प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि एग्जाम के टाइम पे मुझे फॉर्मूलाज याद ही नहीं रहते, मेरे को वहाँ पे डिराइव करना पड़ता था, बेसिक पता होते थे और मैं डिराइव कर दूँ, उससे मेरा काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा। तो फिर इनिशियली मेरे को लगता है कि लॉन्ग मेथड करो, बट एंड में प्रैक्टिस करो फॉर्मूलाज डेली, बिकॉज इतने सारे फॉर्मूलाज होते हैं कि आप भूल जाते हो, तो फिर फॉर्मूलाज अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपका टाइम बचेगा जो आप बाकी सब्जेक्ट्स में दे सकते हो। और दूसरी चीज़, मैं सारी फिजिक्स को एकदम बेसिक से पढ़ती थी, लाइक कुछ भी चीज़ हो छोटी से छोटी उसको एकदम समझ कर पढ़ती थी, तो वो मेरे को काफ़ी बेनिफिट करती थी, जो ट्रिकी क्वेश्चन आते थे तो उनमें मेरा इजीली हो जाता था, क्योंकि मैं एकदम बेसिक से समझ कर करती थी। तो फिर मैं भी एडवाइस करूँगी, बेसिक से समझो, धीरे धीरे अपना बढ़ाओ एंड फॉर्मूलाज याद करो, टाइम बचाओ। कितना टाइम लिया आप? यहाँ पे मैंने मेस अप करा था एग्जाम में, मैंने स्टार्टिंग में बायो करी जो मेरी 1 घंटे 5 मिनट्स में हो गई थी, उसके बाद मैंने फिजिक्स करी, फिजिक्स इजी थी तो मेरी 45 मिनट्स में हो गई थी फिजिक्स। उसके बाद मैं काफ़ी पैनिक कर गई थी बिकॉज मेरे को काफ़ी डिजी फील हो रहा था, और फिर मैंने केमिस्ट्री करी, उससे मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हुए बिकॉज लास्ट में मेरे को फिर टाइम कम मिला, तो फिर पैनिक नहीं करना है इसका सबसे मेन चीज़ यह है। और अपने आप को एकदम, जैसा तन्मय ने बोला, बिल्कुल इमोशंस नहीं रखने हैं, ना ही खुश होना है ना ही दुखी होना है। अगर क्वेश्चंस नहीं बन रहे तो छोड़ो, आगे बढ़ो, अगर क्वेश्चन सारे बन रहे हैं स्टार्टिंग से तुम्हें लग रहा है सही है, छोड़ो, उसमें भी मत सोचो। आप क्या लगता है कि भाई जो टाइम मैनेजमेंट से कुछ नुकसान एग्जाम में 20 मार्क्स है ना, तो 20 मार्क्स और बढ़ सकते थे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है कि, और ये वो बच्चे हैं जो अच्छे मार्क्स ला रहे हैं, है ना, जिनके पेपर, जो ऐसे भी बच्चे हैं कुछ जो इस रेंज में आ सकते थे लेकिन 610 आ रहे हैं, 620 आ रहे हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट गड़बड़ करने की वजह से होता है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अच्छा, एक लास्ट थिंग सभी बच्चों से, आप लोगों से, कि टेस्ट कितने देने चाहिए? बच्चे टेस्ट नहीं देते भाई, तो इनको आप क्या सजेस्ट करोगे? कहते हैं टेस्ट देने से कुछ नहीं होता सर, इनका ऐसा मानना है ना, तो क्या सजेस्ट करोगे? टेस्ट तो जितना हो सकता है, जब मैं पेपर कर रही थी मुझे बीच में रियलाइज हुआ कि टेस्ट प्रैक्टिस से काफ़ी इजी हो जाता है, तो फिर टेस्ट बिल्कुल मत छोड़ो। अब वो ही जो मैंने जीके सर के लिए कहा था कि अपने टेस्ट को अपने आप से, पिछले टेस्ट से कंपेयर करो, साइड वाले से मत कंपेयर करो। अगर अपने आप से कंपेयर करोगे तो ईजी रहेगा, अगर दूसरे से करोगे तो टेस्ट छोड़ोगे। अभी ये वहाँ भी बोल के आपको दोबारा एक और, हो सकता है कुछ बातें सेम भी हो, है ना, तो और इनकी भी देखो प्रैक्टिस हो रही है, टेस्ट ही दो रहा है एक बार वहाँ, अभी कॉलेज में बोलना ही है, अब बोलने का खेल है, अब तुम्हारा खेल होगा बोलने का, जो अच्छा बोलेगा वो आगे सक्सीड करेगा, पढ़ोगे तो हो ही आप,
है ना, अब एक नेक्स्ट पर्सनैलिटी डेवलप होगी, आप बोलते कितना अच्छा हो, बातें कितनी बना लेते हो, ठीक है, तो उसकी वो भी टेस्ट से इम्प्रूव हो रहा है, एक टेस्ट वहाँ हो गया एक टेस्ट यहाँ हो गया, है ना, पर इस टेस्ट ही है सब कुछ, ठीक है। और किसी का सकते हो, आपने पहले भी पूछे होंगे नो डाउट, बट कोई भी क्वेश्चन हो दिमाग में, कोई बात पूछ रहे हो फिजिक्स से रिलेटेड पूछ सकते हो अभी, है ना, क्योंकि बाकी तो आप पूछ चुके होंगे, है कुछ या समझ में आ गई बात करना क्या है? अच्छा, मतलब घर पे आंसर आ जाता है ना, मैं तो बताते रहता हूँ और क्लास में नहीं आता, इसको कैसे टेस्ट में नहीं आता, इसको कैसे इम्प्रूव करें? कई कई क्वेश्चन तो टेस्ट में तो ऐसे भी गलत हो जाते थे, जो घर पे आके करो तो लगता था कि यार यार ये तो हो जाता सही, घर पे तो टाइम मिल जाता, ऐसा होता कि भाई बस 3 मिनट और दे देता ना वो तो हो जाता, ऐसा लगता है। तो ये है कि फिर घर पे एट दी एंड आते समय तो आप अपने आप को टाइम बाउंड कर लो कि ये मतलब जो आप डीपीपी भी कर रहे हो ना उसे एज अ टेस्ट करो, जैसे एक क्वेश्चन किया जैसे फ्रिक्शन पढ़ा रहे हैं सर तो फ्रिक्शन की डीपीपी मिलेगी, तो उसे एज अ टेस्ट करो, मतलब आपने जैसे एक सवाल किया उसका आंसर आ गया, वो नहीं देखना है पीछे, वो नहीं देखना है, पहले 10 जितने भी आपने टारगेट बना लिया कि मुझे 20 सवाल लगाने हैं, 20 सवाल लगाने में अभी आप अपने हिसाब से टाइम चुनो, 20 में मतलब मैं 40 मिनट ले रहा हूँ, तो 20 में 20 सवाल कर रहा हूँ मैं और मैं 40 मिनट में करूंगा इसे, और 40 मिनट के बाद में आंसर लगा लूंगा पीछे से देखकर, वो टाइम धीरे 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 आप कम कर लो, और 20 से 25 मिनट पे जब आप ले आओगे तो फिर आपकी टाइम प्रैक्टिस होने लगेगी, मतलब घर में भी आप फिर टाइम बाउंड होने लगो अगर आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है। फ्रेंड्स ये ऑनलाइन टेस्ट बिल्कुल मत दें, क्योंकि इसमें क्या है कि ओएमआर भरने की प्रैक्टिस नहीं रहती जी, वैसे अगर आप कहीं दे रहे हो तो ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम आती है कि ओएमआर नहीं भरने की प्रैक्टिस रहती। मेरे कई फ्रेंड्स के साथ ऐसा हुआ कि उन्हें ऑनलाइन की प्रैक्टिस थी, ऑनलाइन में टिक लगाते जाते हैं, मतलब करते जाओ ऐसे क्लिक करते जाओ तो लास्ट में उनका पेपर कम्प्लीट हो जाता है 3 hours 20 minutes में, तो उन्हें बबल भरने का टाइम नहीं मिला लास्ट में, तो इसलिए आप ऑनलाइन मत करें, है ना। टेस्ट देने का कोई फायदा नहीं है जब तक तुम उसको एनालाइज ना करो, तो टेस्ट के बाद एक मिस्टेक कॉपी बनाओ जिसमें जो तुमने गलतियां करी है उसे लिखो एक जगह और उसे बार बार रिवाइज करो, क्योंकि एंड में पूरा सिलेबस तो तुम रिवाइज कर नहीं सकते, तो जो मिस्टेक कॉपी में गलतियां करी है उसे रिवाइज करो। टेस्ट की प्रैक्टिस है, और देखो तीनों ने अलग अलग बातें बताई हैं, तो तीनों आपको इनपुट लेना है, कि उसने बोला है बड़ा अच्छी बात कि घर पे टेस्ट की तरह करो, उसने बोला कि ऑनलाइन टेस्ट मत दो क्योंकि आप लोग ओएमआर भी गलत फिल करते हो, ये भी एक प्रॉब्लम है। ओएमआर क्या लगता है कि हमें साथ के साथ फिल करनी चाहिए कि बाद में? हाँ मतलब थोड़ा थोड़ा करते रहो, है ना, ये भी नहीं कि एंड में सारे 180 क्वेश्चन या जो भी हैं वो सारे एंड में फिल करेंगे। बोर बहुत जल्दी आप लोग काम में, है ना, और पैनिक कर रहे हो तो बीच में ओएमआर फिल करना शुरू कर दो। टू क्वेश्चन, मुझे लगता है कि मतलब मैं भी साथ के साथ ही भरता था जब पेपर दिए हमने भी, तो मुझे लगता है कि अगर हम ओएमआर नहीं भरते तो बैक ऑफ द माइंड ही चलता रहता है कि मेरी ओएमआर रह रही है, और फिर दिमाग काम नहीं करता। दिमाग ना बड़ा, बहुत से लोग बहुत सारी बातें बताते हैं कि भाई एग्जाम से 4 दिन पहले थोड़ा कम खाना चाहिए, यानी कि ठूस लिया बहुत सारा खाना, सोना ढंग से चाहिए, ये सारी बातें, तो उससे दिमाग एक्टिव हो जाता है, तो ये बड़ी चीज, दिमाग को एक्टिव रखने के लिए बहुत सारे फैक्टर्स चाहिए। उस दिन आपका माइंड, आपके बैक ऑफ द माइंड ये नहीं चलना चाहिए मुझे ओएमआर भरनी है, तो थोड़ा साथ के साथ बढ़ो, बल्कि उसका सेशन सबसे अच्छा है कि कुछ सेक्शन, मतलब जैसे 10 क्वेश्चन करे एक सेक्शन कर लिया उसके भर लिए, फिर एक सेक्शन करा फिर उसका भर लिया, उसमें शायद पास हो जाता होगा, और बिल्कुल साथ के साथ भी भरो तो मुझे लगता है टाइम तो सेम ही लगना है ना। तो बड़े ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये अभी ऐसा लगता है कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, आप ये बच्चे बताएंगे यही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं की वजह से 20-22 मार्क्स आप खो देते हो। ये बच्चे ऐसे नहीं है कि ये टॉप रैंक्स में 100 रैंक के अंदर नहीं आ सकते थे, आ सकते थे। पेपर कुछ होता है क्या? पेपर लगता है आपको हार्ड है ना, घर जाके करा जा सकता ना हर पेपर, तो गलती क्या है उसमें? मैनेजमेंट नहीं हो पा रहा, वहाँ नहीं हो पा रहा, बस वहाँ पर नहीं हो पा रहा, तो इतने कम समय में इतने ज़्यादा क्वेश्चंस करना वो मैनेज, और यही तो है, आप बनने क्या जा रहे हो, डॉक्टर इंजीनियर, तो आपको यही तो सिखाया जा रहा है कि कैसे पैनिक सिचुएशंस में आपको काम करना है, यही तो एग्जाम सिखा रहा है और क्या है, ठीक है। आपको सारी चीजें याद रखनी है, याद रखना है सब कुछ, आपको दवाइयों के नाम ये सब याद होने, ये कोई कि
एक बार देखा अच्छा कौन सी दवाई, फिर उसमें देख रहे हो फोन में, है ना। ऐसे सब कुछ दिमाग में याद होना चाहिए और हाथ पैर तेज चलने चाहिए, सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो वो ओवरऑल एक बड़ी चीज को करना वही सिखाया जा रहा है, प्रैक्टिस हो रही है इसे, इसे वैसे मतलब लाइटली, ये आपके आगे भी काम आएगा और ये आप कॉलेज में भी करोगे। ठीक है, और कुछ किसी का क्वेश्चन? कभी एग्जामिनर पे यकीन मत करिए, जो पेपर बनाते हैं उन पे यकीन मत करो कि वो कैसा पेपर बनाएंगे। कुछ फ्रेंड सोचते हैं कि पिछले साल वाला ऐसे ही आ जाएगा सेम, या प्रीवियस ईयर रिपीट हो जाएंगे, वही आते हैं यहाँ से कर लो, ऐसे यकीन मत करो। इस बार बहुत से स्टूडेंट्स ने ये करा था कि ना सिंपल क्वेश्चन आ जाएंगे, एक लाइन का क्वेश्चन, एक एक वर्ड के ऑप्शन ऐसे आ जाएंगे, सिंपल टिक कर देंगे बायोलॉजी की बात करें तो। लेकिन स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन आ गए तो अपना हर तरह की तैयारी करनी है आपको। ऐसा मत समझना इस बार फिजिक्स का ईजी आ गया तो आगे भी ईजी आएगा, आपको हाई लेवल पर तैयारी करनी होगी। केमिस्ट्री वगैरह आसान आते थे तो इस बार हार्ड आ गया, है ना। तो ये तो कभी भी ये इनको बोली हुई है मैंने बात, बल्कि कि आपको अपना लेवल 15% 20% ऊपर रखना है ना, जो आपका लेवल है फिजिक्स का उस। और एक बार जब ऊपर होता है, देखो आपने 11 इनको 2 साल मिले, आपने भी ड्रॉप किया है ना, तो कहने का मतलब है कि जब वो लेवल ऊपर होता है तभी रिजल्ट आता है, उतना लेवल लाना ही पड़ता है, तब वो अच्छा रिजल्ट नहीं आता। हो भी जाएगा तो मतलब 600 के आसपास रह गए, एक अच्छे लेवल पे आपको इस रहेगा, ठीक है, तब आपका अच्छा रिजल्ट है। चलो फिर कुछ पूछना है तो लास्ट किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बोलो, बोलो। एक एक पूछ लो। अच्छा, रिवीजन कैसे गए? तो वैसे मैं आपको हमेशा बताती हूँ, मुझे लगता है वही बोलेंगे सब, तो बताओ भाई रिवीजन कैसे करना चाहिए? बायोलॉजी के रिवीजन के लिए आपको बायोलॉजी के आप एनसीईआरटी पढ़िएगा, है ना, और उसमें अंडरलाइन मत करना, क्योंकि अंडरलाइन करोगे तो नेक्स्ट टाइम आपके लिए वो लाइन इंपॉर्टेंट ही होगी। पहले तो आपने जब अंडरलाइन करी तब आपके लिए इंपॉर्टेंट थी, नेक्स्ट टाइम आपने रीड कर ली तब आपने तब आपको वो चीज़ आ गई। लेकिन जब आपने बार बार वो चीज़ पढ़ोगे, रिवीजन करोगे, तो आपके लिए कुछ और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाएगी। तो इसलिए बुक्स में अंडरलाइन मत कीजिए, उसे कोशिश करें कि ना ऐसी सिंपल पूरी ऐसी पढ़ी जाए। और एनसीईआरटी बायोलॉजी की बात करने के बाद तो उसको उसके रिवीजन के लिए आपको अलग से कोई नोट्स वोट बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसी आप उसको उसी को बार बार पढ़िए, उसी में से एनसीईआरटी से आता है बायोलॉजी का जनरली। फिजिक्स के लिए जो रिवीजन का पैटर्न है वो थोड़ा सा इजी है, बिकॉज उसमें फिजिक्स में क्योंकि चीज़ें कनेक्टेड होती हैं। जैसे सपोज आपको सपोज आप एसएचएम पढ़ रहे हैं, तो आप एसएचएम पढ़ रहे हैं तो एसएचएम वेव्स, 11th का वेव्स, 12th का वेव्स और अल्टरनेटिंग करंट, ये सब ऑलमोस्ट सिमिलर से चैप्टर्स हैं, इसमें वही साइन कॉस वाली चीज़ें आती हैं। तो अगर आप 12th में एसी पढ़ रहे हैं तो 11th का वेव्स, यहाँ वेव ऑप्टिक्स, ये भी डिवाइस साथ में कर सकते हैं इसके, मतलब वो ऑलमोस्ट सेम है, कोई मतलब उसमें बुराई नहीं है, इट्स कंप्लीट वन सर्किल। और जैसे दूसरी बात यह है कि आप जैसे 12th का चल रहा है अभी, तो आप जैसे 12th में इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं, मैग्नेटिज्म पढ़ रहे हैं, तो फोर्सेस तो हर जगह हैं, तो आप न्यूटन्स लॉ के सवाल लगा लीजिए और वर्क एनर्जी के सवाल लगा लीजिए। मतलब आप 12th का कर रहे हैं तो उसमें ऐसा है कि थोड़ा सा टाइम निकालिए, 45 क्वेश्चंस, एक घंटा डेढ़ घंटा जितना भी आपको समय है उसमें लगा लीजिए और उसमें देख लीजिए क्या गलत हुआ है। तो फिजिक्स में रिवीजन तो इस तरह से होता है कि क्योंकि चैप्टर्स कनेक्टेड हैं, तो जो लग रहा है कि ये वाला चैप्टर थोड़ा 11th से लिंक करता है तो उसके हिसाब से करा जा सकता है रिवीजन बिल्कुल। के जो चैप्टर्स 11 से मैच होते हैं वो साथ में रिवाइज कर लो, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और ग्रेविटेशन, है ना, और ये 3 चैप्टर इसने सही बोले, एसी, वेव्स और वेव ऑप्टिक्स, है ना, ये 3 चैप्टर एक साथ रिवाइज कर सकते हो, कुछ कुछ ऐसी चीजें रिवाइज कर सकते हो। एक चीज इनके दिमाग में होगी कि हम हमेशा ही बोलते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मार्क करो, क्या वो ठीक है, मतलब रिवाइज करना चाहिए बार बार? कुछ मतलब जनरल पैटर्न वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे वेव ऑप्टिक्स में आता है कि आप अगर स्लैब रख देते हो एक किसी भी स्लिट के सामने, तो डिफ्रैक्शन पैटर्न किस तरह से चेंज हो जाता है, इंटरफेरेंस पैटर्न जब चेंज हो जाता है, तो इस तरह की कुछ मतलब चीज़ें हैं जो एग्जाम में थोड़ा सा सोचना मुश्किल हो सकता है। तो वो चीज़ें ऐसी हैं कि आप अलग से लिख लीजिए, एक अलग नोटबुक बना लीजिए जहाँ पर इस तरह के कुछ मतलब बेसिक सवाल होते हैं, तो वहाँ पर आप इनको रिवाइज कर सकते हैं। ये मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्जाम में थोड़ा सोचने में मुश्किल होगी, वरना है तो सब कॉन्सेप्ट ही, वो तो पता ही होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन भाई किसी का? तो रिवीजन के लिए तो देखो एक ही वही तरीका है, एक पैटर्न है, आपको लास्ट में टाइम निकालना पड़ेगा, है ना, और रिवाइज करे बिना तो आप सब जानते हो कि टेस्ट अच्छा एग्जाम अच्छा नहीं होगा। तो आपको एंड दिन जब पहुंचना है तो आपका रिवीजन पूरा होना चाहिए। और कोई क्वेश्चन?
के लिए शॉर्ट नोट्स बना सकते हो, जैसे कि आपका कोई भी चैप्टर कंप्लीट होता है तो उसके जो आपके मेन नोट्स हैं जो आपके क्लास में बनने हैं इनको अच्छे से एक बार रिवाइज करो, दो तीन बार रिवाइज करो, फिर इसके बाद एक अलग शॉर्ट नोट्स बनाओ, एक अलग नोटबुक बनाओ जिसमें तुम्हारे हर चैप्टर के नोट्स तीन चार पेज में खत्म हो जाने चाहिए, और उन तीन चार पेज में सिर्फ आपको वही लिखना है जो आप भूल सकते हो आगे, या आपको जो नहीं आता था सिर्फ वही चीज़ें, और आपको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ऑफिशियल लैंग्वेज में लिखो, आप क्या ना पूरी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन भी लिख रहे हो जो कि सबको ऑलमोस्ट पता है, वर्क फंक्शन का सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ, ऐसे पूरा नहीं लिखना चाहिए, या आपको मेन नोट में भी इतने ज़्यादा नहीं लिखना चाहिए, आपको अपनी लैंग्वेज में कोशिश करो, जैसे कि चैटिंग वाली लैंग्वेज होती है ना उसमें लिख सकते हो आप, क्योंकि माइंड में हमारे वही होता है, अगर आप लास्ट में रिविजन करोगे तो आप पूरी अगर बुक वाली डेफिनेशन पढ़ोगे तो उसको आप पहले अपने माइंड में कन्वर्ट करोगे अपनी अपनी लैंग्वेज में, तो कोशिश करें जो आपके माइंड में लैंग्वेज रहने वाली है ना किसी चीज़ की डेफिनेशन वही आप नोटबुक में लिखो, तो ये रिवीजन वाले नोट्स आप बना लीजिए, केमिस्ट्री और फिजिक्स में दोनों में बना सकते हैं, बायोलॉजी में मैं कहूँगा आपको प्योर आप एनसीईआरटी पढ़िए क्योंकि एक एक लाइन उसकी इंपॉर्टेंट है, अगर आप उस पर नोट्स बनाने लगोगे तो कुछ ना कुछ छूट ही जाएगा। देखो ये चीज़ें तो आपके जो सवाल हैं वो ऐसे हैं कि जो प्रैक्टिस से होंगे, वो तो अल्टीमेटली टेस्ट है सब कुछ, आप टेस्ट दो, टेस्ट से ही वो चीज़ इम्प्रूव होगी, ठीक है। और जो उसने बात बोली ना माइंड का, ये सब चीज़ें ना प्रोसेस, इन लोगों का प्रोसेस तेज करने लगा है, जब आप एक डेढ़ साल पढ़ते हो ढंग से, जब आप पढ़ोगे 14 घंटे पढ़ोगे ना, वो है असली चीज़ जो उसने पहले बोली, जब 14 घंटे पढ़ोगे डेली तो आपका माइंड जो प्रोसेस करेगा चीज़ों को वो फास्ट करना शुरू कर देगा, और जब एक बार फास्ट करना शुरू कर देगा आप ये सब चीज़ें पिक कर लोगे, अब सवाल कैसा भी आएगा है ना, तो वो पिक कर लोगे, और प्रीवियस ईयर्स आप करते ही हो ठीक है, तो वो रिपीट भी होते हैं सारी चीज़। अच्छा एक चीज़ और है बस लास्ट मेरा ही क्वेश्चन है, तो कि क्या फिजिक्स में बहुत एक लेवल तो हम पढ़ते ही हैं जो लेवल चल रहा है, जैसे हम DPP जो करते हैं हमारी ठीक ठाक लेवल की है ना, और आप कोई बुक भी करते होंगे, तो क्या और ऊपर लेवल करना चाहिए? कैसी वर्मा करी तुमने, और तुमने और तुम्हारे भाई ने तो करी, लेकिन क्या लगता है उसने लास्ट में कहा था कि सर कोई खास फायदा नहीं हुआ, मतलब वैसे फायदा होता है पता नहीं चलता बच्चे को फायदा होता है उसका, वही माइंड का प्रोसेस तेज हो जाता है, लेकिन क्या क्वेश्चन आ रहे हैं उससे? जो सर DPP दे रहे हैं वो मोर देन सफिशिएंट है, उसे ही आप मतलब दो तीन बार जितनी बार आप उसे प्रैक्टिस करें वो कम है, बिकॉज उसमें हर तरह के सवाल होते हैं, एंड आपको DPP करने के बाद ऐसा हो जाना चाहिए कि अब जो मैंने ये सारे सवाल कर लिए, हर तरह का सवाल होता है, अब इससे रिलेटेड कोई भी सवाल आएगा तो मैं कर सकता हूँ फिर उसे, और अगर ये वाली सिचुएशन नहीं है तो फिर वापस जाके DPP सॉल्व करो। पर्सनली मैं कहना चाहूँगा कि मैंने जैसे 11 12th में SC वर्मा सॉल्व करी थी, एक दो चैप्टर को छोड़ के बाकी सारी करी थी, वो मैंने मतलब ऐसा है कि वो मैं नहीं भी करता तो भी इतने ही मार्क्स आते, तो मैं पर्सनली रेकमेंड तो नहीं करूँगा कि वो करी जाए, उसमें टाइम लगाया जाए, उसमें टाइम बहुत जाता है करने में, और मैंने पर्सनली वो इसलिए भी कर ली थी कि ये गलती भी थी मेरी कि पर्सनली मैंने इसलिए कर ली थी बिकॉज मुझे फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था तो मुझे अच्छा लगता था इसे करना, तो मतलब ये 3 साल में जो नीट की डिमांड है उसी पे, 2 साल में जो नीट की डिमांड है वही करी जाए, अभी सब्जेक्ट से प्यार करने का समय तो नहीं है, ये वो वाली बात है। आंसर दिया उसने, बोलता भी अच्छा है, इसका भाई भी अच्छा बोलता है, एक जैसी आवाज है दोनों की, एक बार फोन आता था रात को इसके लेट भी तो मुझे लगता था कि कहीं वो पार्थ तो नहीं बोल रहा, ठीक है चलो फिर है ना, और एक जोरदार ताली बहुत जितनी बजा सकते हो आप, ठीक है फिर हम वहीं से स्टार्ट करते हैं, मैं इनको सी ऑफ कर देता हूँ। तो आवाज नहीं, आप दो बार अब इनको दो बार सुन लिया होगा मेरे ख्याल से है ना, तो मेन बात अगर हम उससे निकाले तो मैथ्स वालों के लिए SC वर्मा करनी है ना, उनको लेनी है, कहीं वो सोचे SC वर्मा नहीं करनी, उनको करनी है ना, तो और दूसरी आप लोगों को ये बात समझ में आती है कि DPP करनी है और प्लस प्रीवियस ईयर, और उसने एक बात बोली देखो अगर DPP नहीं हो रही है आपसे, आप कंफर्टेबल नहीं हो DPP में ही, मैं हमेशा ज़्यादा वो नहीं बनना होता, ये पागल नहीं है बच्चे, और ये बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत समझदारी से बोलता है लड़का, तो स्पेशली इसका भाई भी बहुत समझदारी से एनालिसिस करके बोल रहे हैं, ठीक है तो क्योंकि इनका फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, फिजिक्स, जो भी फिजिक्स में अच्छे होते हैं वो समझदार होते हैं, ठीक है आप सुनो एक मिनट नहीं मैं मजाक कर रहा हूँ सर, क्योंकि आप फिर सर हम तो बायो डॉक्टर बनेंगे इसका मतलब हम तो ऐसे ही हैं, आपको सुनो एक चीज समझनी है कि आप मतलब काम की बात यह है कि आपको जो सब्जेक्ट आप DPP करते हो
उसने एक बात बोली, जब आप उसमें कंफर्टेबल कंफर्टेबल वर्ड बोलना चाहता था, उसने वर्ड नहीं बोला, वो उसने बोला कि जब आप उस तरह क्वेश्चन आसानी से कर पाते हो तब आप दूसरी बुक पे जाना है। अगर आप उस तरह क्वेश्चन अभी भी नहीं कर पा रहे करने के बाद भी, तो ये डीपीपी दोबारा कर लो, ठीक है। बहुत सारे लोगों को सलाह है मेरी, है ना, इधर उधर करते रहते हो और वो डीपीपी ढंग से करते नहीं। अगर आप कंफर्टेबल, आपसे यूं हो रही है मजाक में हो रही है डीपीपी, अरे फटाफट फटाफट फटाफट, तब आप नेक्स्ट लेवल पे जाओ, है ना, ये समझना जरूरी है। और क्योंकि आप स्पेशली नीट की अगर बात करें तो कहीं बाहर से तो कुछ है ही नहीं, यही है डीपीपी से सारा पेपर है। प्रीवियस ईयर्स और कर लो बस, प्रीवियस ईयर तो कोई भी आप एग्जाम दे दो तो करना चाहिए। आप कोई भी दुनिया कोई भी एग्जाम दो, सबसे पहला काम होता है प्रीवियस ईयर ही करना, एक टॉपिक होने के बाद वो तो मतलब 100% ही करना होता है, इतना सा काम करना है, ठीक है। लेकिन इतना सा काम करने के लिए पढ़ना करीब करीब 10 घंटे है। देखो कोई भी कम तो बोल नहीं रहा है ना, जिनके पास 2 साल भी थे वो भी 10 घंटे पढ़ रहे हैं, जिनके पास 1 साल है वो 14 घंटे पढ़ रहा है ना। कैसे टाइम निकाल पा रहे हैं लोग वो आपको देखना, 14 घंटे वो मेरे ख्याल से कंबाइंड होगा कोचिंग में ला के, ठीक है। तो 14 हो 10 घंटे हो कितना भी हो, मेन चीज है आपको पूरे दिन पढ़ना है, बात खत्म। आपको ऑलमोस्ट फुल डे पढ़ना है, ठीक है। और कोई बात आपको मुझसे पूछनी हो पूछ सकते हो, क्योंकि ये इनपुट्स इनके ध्यान रखने। एक उसने टेस्ट के साथ उसने बोला है टेस्ट देना है, और टेस्ट के साथ ये भी पता लगाना है कि टेस्ट का देखो जो मेन मेन बातें उनकी जो बातें उन्होंने बोली, खैर आपके अब मैंने रिकॉर्ड कर ली है बातें, तो आप सुन सकते हो दोबारा कभी भी, लेकिन मैं मेन मेन बात बता रहा हूँ। टेस्ट का एनालिसिस करना है कि मेरी कौन कौन सी मिस्टेक हो रही है, वरना वो टेस्ट बेकार है। एक तो ये पॉइंट बहुत मेन है, एक दूसरा पॉइंट है कि पूरे दिन पढ़ना है, उसके बिना तो कुछ होना ही नहीं, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि एग्जाम में एग्जाम के अंदर घबराना नहीं है, पैनिक नहीं करना। जैसे वो बच्ची के साथ पैनिक कर गई या फिर कोई भी पैनिक कर जाता है तो पैनिक नहीं करना। वो पैनिक नहीं करा 1.5 घंटे में बायो होना, फिर आप लेट हो गए, 1.5 घंटा बहुत ज्यादा होता है, उसका मतलब आप गड़बड़ कर चुके हो। तब वो पैनिक नहीं करा तो इसलिए उसने बचा लिया अपने आप को, क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री जल्दी कर ली, नहीं तो 1.5 घंटे बायो अगर कर ले बच्चा तो फिर वो गया, फिर उसके मार्क्स कम हो जाएंगे, मतलब जितने वो एक्सपेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है और फॉलो करनी है। अभी के लिए सर क्या करें, अभी के लिए फुल डे पढ़ना है और टेस्ट देना है, इतना सा काम है। और हर टेस्ट का एनालिसिस करना है कि गलती क्या हो रही है और वो गलती क्यों नहीं ठीक हो रही हर बार। और घर पे अगर एक गलतियां तो यही कि भाई घर पे हो जाते हैं क्वेश्चन वहाँ नहीं होते, तो उसके लिए जो उन्होंने बात बोली है 2-3 बातें वो फॉलो करनी है कि आप घर पे भी प्रैक्टिस करते हो उसे टेस्ट की तरह करो। ये तो मैं बता सारी बात तो बता ही चुका हूँ मैं आपको लगभग, ठीक है। और फिर जब आप ऐसा कुछ करोगे तब रिजल्ट आता है, और कॉम्पिटिशन तो बहुत टफ हो चुका है, ठीक है। कॉम्पिटिशन बहुत हाई है, इतने हाई कॉम्पिटिशन में मार्क्स लाना टफ है, तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन जब कोई चीज बहुत मुश्किल होती है और उसे आप निकाल लेते हो तो उसके फायदे भी बहुत ज्यादा होते हैं। आसान चीज को निकाल ले कोई भी, उसका क्या करोगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करें वापस। तो मैं यहाँ पे था कि एक ब्लॉक के ऊपर एक और ब्लॉक है और उस ब्लॉक को आप खींच रहे हो, उस ब्लॉक को आप खींच रहे हो, है ना। तो अगर इस ब्लॉक को आप खींचोगे तो मुझे बताओ इस ब्लॉक का क्या होगा। नहीं गिर भी सकता है, लेकिन मान लो ऐसा आपने देखा हो, आप करके देख लो अपनी कॉपी पे ना, एक कॉपी पे दूसरी कॉपी रखो और उसे खींचो तो क्या होगा, वो चल जाएगी उसके साथ। तो इसको कौन चला रहा है, फ्रिक्शन। तो आपने जब बोला ना, आपने मैंने इसलिए बोली बात, आपने बोला फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है, तो ये गलत है। फ्रिक्शन मोशन का अपोज, तो फ्रिक्शन करता क्या है। अच्छा आप चलते कैसे हो, जब आप चलते हो आपको कौन चला रहा है, फ्रिक्शन। आप नॉर्मल बर्फ पे क्यों नहीं चल पाते, क्योंकि फ्रिक्शन नहीं होता। तो इसका मतलब फ्रिक्शन अपोज तो नहीं कर रहा, फ्रिक्शन तो सपोर्ट कर रहा है यहाँ पे, तो मोशन का आपको चला ही फ्रिक्शन रहा है। तो आपका ये सेंटेंस कि फ्रिक्शन मोशन का अपोज करता है तो गलत हो गया। पहली बात तो ये होगी फ्रिक्शन मोशन का अपोज नहीं करता। तो फ्रिक्शन करता क्या है, एक 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 बात लिखेंगे प्रॉपर्टी और वही लिखेंगे। एक तो प्रॉपर्टी आ गई कि फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू म्यू एन है और वो जीरो से कुछ भी हो सकती है। दूसरा ये बात निकल के आ रही है कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज नहीं करता, तो करता क्या है मैं दिखा रहा हूँ। फ्रिक्शन ना
स्लिपिंग को अपोज करता है, मतलब फ्रिक्शन ये नहीं चाहता कि स्लिपिंग हो। मतलब अगर आपके पास कोई ब्लॉक है और आप उसे खींच रहे हो, तो इन दो सरफेस के बीच में, ऊपर वाली सरफेस और नीचे वाली सरफेस में क्या हो रही है, स्लिपिंग। तो फ्रिक्शन ये स्लिपिंग नहीं चाहेगा, मतलब ये आपस में ऐसे करके मूव ना करे, है ना। जैसे कि अगर आप इस वाले ब्लॉक को खींचते हो, तो सुनना ध्यान से, ये वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, आगे जा रहा है, तो इस नीचे वाली सरफेस पे क्या कर रहा है, स्लिप कर रहा है, स्लाइड कर रहा है। तो फ्रिक्शन क्या करेगा, स्लाइडिंग को रोकने की कोशिश करेगा। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे। अच्छा, ये वाला ब्लॉक अब ऐसे ही खड़ा है, इसके नीचे वाला ब्लॉक क्या कर रहा है, इसके नीचे से आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। तो इसके और इन दोनों के बीच स्लिपिंग कैसे रोकी जाए, अगर ये भी चलने लगे इसके साथ, अगर मेरे दोनों हाथ ऐसे चलने लगे, ठीक है, तो स्लिपिंग नहीं हो रही। कहने का मतलब है ये भी इसके साथ चलने लगे, ये भी इसके साथ आगे बढ़ने लगे, तो इन दोनों के बीच स्लिपिंग होगी नहीं। ये कब बढ़ेगा, जब इस पे फ्रिक्शन आगे लगेगा। तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे पे, बाद में समझाऊंगा ये। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस ब्लॉक को फ्रिक्शन ने क्या कराया, मूव कराया, मोशन कराया, और इसका मोशन रोकने की कोशिश करी है। तो इसका मतलब फ्रिक्शन मोशन को रोकता भी है और मोशन को कराता भी है। तो अल्टीमेटली फ्रिक्शन मोशन से कोई मतलब नहीं है, फ्रिक्शन स्लिपिंग को रोकता है, स्लिपिंग नहीं चाहता फ्रिक्शन। अगर ये दोनों एक साथ चलेंगे तो क्या इन दोनों के बीच स्लिपिंग होगी, नहीं, ये नहीं चाहता फ्रिक्शन। इसलिए फ्रिक्शन दोनों को कोशिश करेगा कि दोनों एक साथ चले। तो फ्रिक्शन ये कोशिश करता है कि स्लिपिंग ना हो। और स्लिपिंग को ही क्या बोलते हैं, रिलेटिव मोशन भी बोलते हैं। दो चीजों के बीच में अगर स्लिपिंग हो रही है तो रिलेटिव मोशन हो रहा है। दोनों एक साथ चल रहे हैं ऐसे, तो रिलेटिव मोशन नहीं हो रहा, दोनों का बीच रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, जीरो। अगर दो बॉडीज एक साथ चल रही हैं, दोनों की वेलोसिटी सेम है, तो दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है, जीरो। और दोनों की एक की ज्यादा एक की कम, तो क्या हो रहा है इनके बीच में, स्लिपिंग। तो लिखो एक पॉइंट्स, लिखो एक काम करो, फिर आते हैं, वापस आते हैं इस क्वेश्चन पे, दोबारा करेंगे इसको, है ना। आप लिखो प्रॉपर्टी ऑफ फ्रिक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रिक्शन। पहला पॉइंट, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। फ्रिक्शन अपोजिट द रिलेटिव मोशन बिटवीन टू सरफेसेस। ठीक है, दो सरफेस के बीच में फ्रिक्शन क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। वो नहीं चाहता कि दो सरफेस के बीच में रिलेटिव मोशन हो। सेकंड, फ्रिक्शन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन नहीं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू एन, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन इज म्यू टाइम्स नॉर्मल। But friction can adjust its value, from zero to mu times normal. Zero से mu times normal के बीच में क्या कर सकता है, adjust कर सकता है। Zero to mu times normal के बीच में क्या कर सकता है, adjust कर सकता है। So that क्यों करता है adjust? हाँ, अपने पहले वाले पॉइंट को फेवर करने के लिए, सो दैट स्लिपिंग डज नॉट अकर। ये मोटिव है फ्रिक्शन का कि स्लिपिंग ना हो। स्लिपिंग के लिए या तो बॉडी को रोक ही दे, चले ही ना बॉडी चली नहीं रही, या तो रोक दे, या फिर दोनों बॉडीज एक साथ चलने लगे। दोनों केस में या तो बॉडी, देखो अगर कोई ग्राउंड पे रखा है तो फ्रिक्शन कैसे, आप फोर्स लगा रहे हो, फ्रिक्शन कैसे रोकेगा स्लिपिंग ग्राउंड को, कुछ या तो ग्राउंड भी चलने लगे उसके साथ, ग्राउंड चलेगा नहीं, तो फ्रिक्शन इसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा। अगर रुक गया तो अच्छी बात है, आपका बेसिकली स्लिपिंग नहीं होगी। और अगर एक के ऊपर एक रखा है तो कोशिश करेगा दोनों साथ चले,
तो अल्टीमेटली ये चाहता है फ्रिक्शन, या दोनों ना चले, कुछ भी ऐसा हो जाए कि दोनों चले ही ना किसी वजह से, है ना। तो फ्रिक्शन की कोशिश होती है कि स्लिपिंग ना हो आपस में, स्लाइडिंग ना हो ऐसे, क्लियर। ये है फ्रिक्शन। अब इसके लिए मोशन कराना पड़ेगा तो कराएगा, नहीं कराना पड़ेगा नहीं कराएगा, अपोज करना पड़ेगा अपोज करेगा, जो भी करना हो करेगा, है ना। अब एक क्वेश्चन करेंगे हम, उससे हमें क्लैरिटी आएगी। और इससे वाला भी, चलो पहले वाला ही क्वेश्चन देख लेते हैं जो अभी करा था, उससे हम समझते हैं। और एक क्वेश्चन करेंगे उससे क्लियर होगा। अभी एक मतलब थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी ना, एक क्वेश्चन ग्राफ बनाना है मुझे, जो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, तो उस ग्राफ में आ जाएगी सब। तो अब ध्यान सुनना, थ्योरी है। और जो ये बात बच्चे बोल रहे थे एनसीईआरटी की, जो थ्योरी जो भी पढ़ना है आपको, वो एक या दो क्वेश्चन के लिए है बस, वो है ना, उसके 171 है, सबके 170 से ऊपर है इनके, 170 171 175 180, इसके भी 170 180, तो एक लड़की है वो आई नहीं, है ना, तो उसके 180 आउट ऑफ 180 है। तो कहने का मतलब है इक्का दुक्का क्वेश्चन गलती से रॉन्ग हो जाना, जो आपका भी रॉन्ग नहीं हुआ होगा, जैसे उसका रेक्टिफायर वाला रॉन्ग हुआ, शायद उसमें फुल वेव या हाफ वेव रेक्टिफायर कुछ पूछा था, है ना, तो वो सिली मिस्टेक तो किसी से भी हो सकती है। तो एनसीईआरटी में अभी मैकेनिक्स में कुछ नहीं पढ़ना है एनसीईआरटी, मैं आपको बताऊंगा कहाँ से कब पढ़ना है। जब पढ़ना होगा वो एसएचएम वेव्स पढ़ना होगा, ऑप्टिक्स पढ़नी होगी, मॉडर्न फिजिक्स पढ़नी होगी, 4-5 चैप्टर है बस, बाकी आपको एनसीईआरटी कुछ नहीं। ठीक है, तो तब तक आप फ्री रहो, क्योंकि तो उसने एक बात बोली, ये भी सुना होगा आपने कि एनसीईआरटी पढ़ना फिजिक्स में बड़ा टफ है। अब टफ काम मत करो, पहले उस रेंज में तो आ जाओ, 150 के ऊपर वाली रेंज में आ जाओ ना, फिर करना उसके बाद। ठीक है, अभी एडवांस वाले बच्चे आएंगे तो रिजल्ट आएगा तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको, तो मैथ्स का आइडिया उसमें दूंगा मैं कि मैथ्स वालों को क्या करना है, उनको भी अभी तो फिलहाल एनसीईआरटी तो किसी को नहीं पढ़नी। ठीक है, अभी आपको करना क्या है, जो आपको डीपीपी है समझ लो, ये बातें फॉलो करनी है। और एक बात बार बार निकल के आ रही है, टेस्ट, दो बातें मेन है, टेस्ट और डेली पूरे दिन पढ़ना। आप कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो ये कॉम्पिटिशन तो बहुत हार्ड है ना, आसान तो है नहीं। सिलेक्शन तो वो टॉप 10 का होता है, ये सब टॉप 10 में आते थे, सिंपल सी बात है। अभी करीब करीब 20-22 रिजल्ट और है, 20-25 बच्चों का और भी आए, ये तो वो है जो 660 के ऊपर है। ठीक है, अभी 640 650 625 एक 635 भी है ना, अलग अलग रिजल्ट, तो उनका वो इन्हीं के बराबर होते हैं, बस वो क्या कर देते हैं, सिली मिस्टेक कर देते हैं एग्जाम में। ठीक है, चलो यहाँ पर अभी फ्रिक्शन कितना था, 0.5, उससे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना आया, 25। अब ध्यान सुनना, तो आपने फोर्स 10 लगाई, मेरे पास फ्रिक्शन कितना है, लेकिन मेरा फ्रिक्शन जीरो से कहां तक जा सकता है। ठीक है, आप सबने आंसर 25 लगाया और आंसर दे दिया -3, आज तो हम बहुत कम ही पढ़ पाएंगे, कोई बात नहीं, तो आपने आंसर दिया -3, है ना, जो कि गलत था, क्योंकि -3 से क्या हुआ, गलत क्यों था -3, -3 से पीछे की तरफ जा रहा है, स्लिपिंग हो रही है ना। इसको चलो मैं समझाता हूँ, आपके पास मैक्सिमम फोर्स कितनी है, 25 है, और सामने वाला कितना है, 10। आप मतलब एक बड़े बच्चे हो, पहलवान, बिल्कुल हेल्दी। अब मान लो सामने कोई छोटा सा बच्चा है 4-5 साल का, आपको आके मारने लगे, क्या करोगे, मारोगे उसे बहुत बुरी तरह, नहीं करोगे ना, मतलब आप हो 25 न्यूटन के 10 न्यूटन के, मतलब आप हो 25 न्यूटन के, है ना, और सामने आ रहा है 10 न्यूटन, तो क्या करोगे आप, उसे 25 से मारोगे नहीं, है ना, लेकिन आप पिटोगे भी नहीं, ये भी नहीं चाहोगे कि मैं पिटूं, छोटा बच्चा आ रहा है मार रहा है बुरी तरह, ऐसे भी नहीं होगा ना, उसमें बेइज्जती है, तो आप उसमें क्या करोगे भाई, उससे बचोगे, हट पीछे हट, ऐसे हट हट इस तरह से करोगे, करोगे ना ऐसे ही, उसे हल्का सा पुश कर दोगे, ये कर सकते हो, धक्का दे दोगे हल्का सा, लेकिन ये नहीं कि उसे आप गुत्थम गुत्था और या पीट रहे हो उसे, है ना, लिटा लिटा के मार रहे हो, ऐसे नहीं करोगे, तो आप उसे रोकोगे कि भैया नहीं, मैं इससे बच जाता हूँ, और लोग मुझे देखे ना कि पिट रहा हूं मैं, ऐसा भी ना हो। ठीक है, तो यही फ्रिक्शन है, बस ये है फ्रिक्शन, फ्रिक्शन पिटना नहीं जाता। तो सामने अभी 25 न्यूटन है मेरे पास, मैं 25 न्यूटन का हूं और सामने आया, तो आप क्या करोगे, अपनी वैल्यू एडजस्ट, 0 से 25 है आपके पास, 10 कर लोगे, जैसे ही आप 10 करोगे आपका एक्सप्रेशन क्या आएगा, 0, स्लिपिंग हुई नहीं हुई, ये फ्रिक्शन। तो पहले तो ये बात समझनी है, फ्रिक्शन अपनी वैल्यू एडजस्ट करके 10 कर लेगा, सामने वाला भी 10, मैं भी 10, कोई एक्सेलरेशन नहीं,
सुनते जाओ अभी, और इसी के साथ हम ग्राफ भी बना लेंगे। मान लो ये फोर्स बढ़ने लगे 10 के बाद हो जाए 15, आप क्या करोगे? अब 15 कर लोगे, ये हो जाए 20, बच्चा बड़ा होते जा रहा है ना, आप बुढ़े होते जा रहे हो, वो बड़ा होते जा रहा है। ठीक है, कहते नहीं कुछ बच्चे बड़ा होके मारूंगा तुझे, ये वो है ना, ये टाइम, इसलिए मेंटेन रखना अपना आपको भी, वो भी जरूरी है। तो 25 हो गया अगर ये, तो अब आप 25 लगा, लेकिन अगर ये 30 हो गया, अब आप पिटोगे, सिंपल सी बात ये है ना, अब आप बच नहीं सकते। अब 30 अगर जैसी हो गया सामने वाला, तो आप फ्रिक्शन कितना लगाओगे? 25 लगाओगे, लेकिन बॉडी को रोक नहीं पाओगे, अब स्लिपिंग नहीं रुकेगी, अब बॉडी चलेगी, तो कोई भी बॉडी आगे खींचा जा रहा है तो आगे ही चलेगी, पीछे नहीं चल सकती। ठीक है, तो फ्रिक्शन, अब इस केस में फ्रिक्शन क्या लगेगा बताना, 15, इस केस में 25, यहाँ 25 ही लगेगा, इससे ज्यादा जा ही नहीं सकता, और यहाँ 10 का, जरा लिख लो एक बार ये, तो बस ये कहानी याद रखना, फ्रिक्शन इस तरह से एडजस्ट कर लेता अपने आप। और फ्रिक्शन के साथ एक और चीज है, सुनो छोड़ो, अगर आपने गलती कर भी दी थी, आपने अभी थोड़ी देर पहले माइनस में आंसर दे दिया था, बस आपको इतना सोचना, अच्छे क्वेश्चन में आसान क्वेश्चन आए तो कुछ है ही नहीं, क्वेश्चन तो बहुत आसान आ रहे हैं इस बार का पेपर, अगर हम कहें नीट की बात हो रही है फिलहाल, तो पेपर बहुत ईजी था, जैसे बार बार बच्चे बोल रहे हैं स्कोरिंग था, तो तभी इतना अच्छा स्कोर भी आ रहा है, सबकी 99 से ऊपर परसेंटाइल है। अब कोई, अब देखो आप गलती क्या करते हो, कुछ बच्चों ने जिनके कम आए, उन्होंने फिजिक्स में लास्ट में आधे घंटा बचाया बस, उन्होंने 2.5 घंटा 3 घंटा इसमें लगा दिए, हुआ आप लोगों के साथ ऐसा है ना, 40 मिनट 45, तो कहाँ फिर तो आसान पेपर भी नहीं होगा, इतनी अकल होनी चाहिए। एक बात ही बोलना भूल गए बच्चे सारे, जो मैं बोल देता हूँ, पेपर एक बार देख लो कौन सा आसान है, ठीक है, मतलब कौन सा टॉपिक आसान लग रहा है, कौन सा सब्जेक्ट आसान लग रहा है, हल्का सा ऊपर से दिखता है। अब सर ये कैसे पता लगता है, हमें तो पता नहीं लगता कौन सा आसान है, हमें तो पढ़ना पड़ेगा भैया, जब आप एक साल तैयारी कर लोगे ना, इतना माइंड शार्प होना चाहिए, वरना तो एग्जाम निकाल ही नहीं पाओगे, ऊपर से देख के पेपर पता लग जाता है हाँ यार ये आसान लग रहा है, या फिर आप फटाफट पहले 5 क्वेश्चन फिजिक्स के आसान करें, देखेगा ना आसान क्वेश्चन, आसान पहले करो, दोबारा राउंड ले लो, भाई 15 फिजिक्स के करें, फिर 15 केमिस्ट्री, फिर बायो, फिर दोबारा राउंड ले लो, ऐसे भी कर सकते हो, ये स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, मतलब कुछ समय बाद, अभी नहीं, आज से 2 महीने बाद आपको बनानी पड़ेगी। ये गलतियां ज्यादा हैं और बाकी वो इतनी नहीं है, कंसेप्ट की इतनी गलतियां नहीं है, जितनी गलतियां सिली मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक, एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट, आप पैनिक करना है ना, ये सारी गलतियां, ये ज्यादा बड़ी गलतियां हैं। और ये कुछ हद तक ये भी होता है, जो उसने बात बोली ऑनलाइन टेस्ट देने से, ऑनलाइन पढ़ने से है ना, वो टेम्परामेंट नहीं बनता कुछ लोगों में, इनमें से ऐसा नहीं है, एक दो बच्चे तो ऑलमोस्ट ऑनलाइन ही पढ़े हैं पूरा, तो मजबूरी थी ना, लेकिन टेम्परामेंट नहीं बनता कुछ लोगों का, कुछ में 90% आ गए, तो इसीलिए ऑफलाइन पढ़ो, ऑफलाइन सारे टेस्ट दो, कोशिश करो और उसमें मार्क्स लाने की कोशिश करो, और हर घंटा हर मिनट बचाओ अपनी। आप अगर किसी बस वगैरह से आते हो और बहुत दूर से आते हो, ये बच्चा मुजफ्फरनगर से आता था सलीम है ना, तो फिर आके यहाँ रहा भी, जो भी है, तो कहने का मतलब अगर कोई दूर से आ रहा है तो भैया वो बस में भी पढ़ता हुआ जाए। अब इसका मतलब ये भी नहीं होता कि आप सड़क पे चल रहे हो और वहां भी पढ़ रहे हो और पता चला आप है ना, ऐसे भी नहीं है इसका मतलब पागल भी नहीं होना, ठीक है, समझ में आ रही बात, डॉक्टर बनने की बजाय, हाँ अरे ये सब कॉमन सेंस की चीजें, कोई सिखाने, ये जो इन्होंने बातें बोली कोई सिखाने वाली कोई, ये सब पता है आपको, पता होनी चाहिए। ये तो एक तो क्वेश्चन आप पूछ रहे थे तो पता होने चाहिए तुम्हें, चलो मैं वैसे मजाक कर लेता हूँ, लेकिन मेन बात निकल के हमें तो आ रही है, जब आप लोगों ने 14 घंटे सुना तो कई लोगों का मुंह खुल गया कि क्या ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि वो पढ़ते हैं 4 घंटे 3 घंटे, वो भी इसी कोचिंग में पढ़ लिए 4 घंटे, मेरे तो हो गए 4 पूरे, ठीक है, आप पढ़ने का मतलब समझ आया कितना पढ़ते हैं। और आज तो इनके चेहरे ठीक लग रहे हैं, अच्छे लग रहे हैं सब, इनके चेहरे सब मुरझाए हुए थे, बुरी हालत थी आज से 2-3 महीने पहले, ठीक है, जब ये डाउट पूछने का भी आए बीच में, ऐसा हो जाना चाहिए आपका चेहरा। चलो
ये 15, 20, 25 भी आ गया, ग्राफ कैसा होगा, एक ग्राफ बनाना ही, ग्राफ ही सब कुछ है फ्रिक्शन का, ये मतलब हमें पूरा आइडिया दे देता है कि एक्चुअल में थर्ड प्रॉपर्टी में डाल सकते हैं इसको। प्रॉपर्टी नंबर थ्री, फ्रिक्शन का ग्राफ बनाऊं तो फ्रिक्शन पहले 15 था, फोर्थ 15 थी, 15 था, 10 थी, 10 थी, फोर्थ अगर जीरो होगी तो जीरो होगा, तो ग्राफ कैसा आएगा फ्रिक्शन और फोर्स का? वेरी गुड, स्ट्रेट लाइन, कितने एंगल पे? 45, y इक्वल टू x हो गया ना भाई, फ्रिक्शन जो है वो f के बराबर हो गया शुरू में, सर शुरू में फ्रिक्शन किसके बराबर है? f के बराबर, फ्रिक्शन कौन है? y एक्सिस, ये कौन x, इसका ग्राफ कैसा होता है? स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऐसे और एंगल 45, ये ग्राफ होगा इसका, और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होगी हमेशा? अब आगे क्या होगा, चलो कुछ देर तक तो ही चले, हमेशा ही चलेगा, क्या होगा? हाँ, अब जैसे यहाँ पर 30 हुई फोर्स, फिर फोर्स 35 होगी, फिर 36 होगी, कुछ भी होगी, फ्रिक्शन तो क्या रहेगा? 25 है ना, फ्रिक्शन 25 रहेगा, तो ग्राफ कांस्टेंट हो जाएगा, लेकिन कांस्टेंट में ना एक पंगा है, ये थोड़ा झुक के ऐसे कांस्टेंट होगा, वो मैं अभी बताऊंगा, वो भी इसके साथ ही बताएंगे, स्ट्रेट बनाना ही लाइक। पहले तो अभी स्ट्रेट लाइन समझ गए क्या वाली, बस ये बताओ, यही भी नहीं आया समझे, स्ट्रेट लाइन आ गई तो बताओ। F बराबर F है, y इक्वल टू क्या है? x, ठीक है, y टू कितना? x, तो y इक्वल टू अगर x है तो स्ट्रेट लाइन है ना, क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन, इसमें प्रॉब्लम तो बताओ। अब इसके बाद क्या होगा, फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो गई? कांस्टेंट, तो कायदे में ग्राफ ऐसा आना चाहिए, मना नहीं कर रहा, ऐसा आना चाहिए, ये होना चाहिए है ना, कांस्टेंट का मतलब 25 की 25, और ये मैक्सिमम वैल्यू होगी यहाँ पे, क्या होगी मैक्सिमम? एफ मैक्स कितना? म्यू टाइम्स नॉर्मल, इसका नाम और क्या होता है? लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसे ये भी कहते हैं। लेकिन ऑब्जर्व देखा गया, बनाओ मत ये देखा गया, ये ग्राफ ना थोड़ा इस लाइन पे नहीं, थोड़ा नीचे आता है, बस हल्का सा झुक जाता है ऐसे, ऐसा हो जाता है, स्ट्रेट तो आएगा ये तो तय, लेकिन ऐसा हो जाता है, क्यों? हाँ, कम क्यों हो जाता है फ्रिक्शन, वही मेरा सवाल है, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू है वो म्यू एन है, मतलब ये वाली वैल्यू जीरो थी, फिर पांच, फिर दस, फिर पंद्रह, फिर 25, अब 25 आना चाहिए ना लगातार, तो कम क्यों हो गया थोड़ा, 25 की जगह 24 हो जाता है, ये मान लो 23 हो जाएगा, 24 हो जाएगा, क्यों? अब आपने ये देखा होगा कि आप कोई पत्थर को खिसका रहे हो, तो जब तक वो चलता नहीं है तब तक ज्यादा फोर्स लगानी होती है, जैसे ही वो चलने लगता है फोर्स थोड़ी सी कम लगानी होती है, चलने के बाद उसे मूव कराना आसान होता है, एक्चुअल में चलने के बाद एक बार अब बॉडी चलने लगेगी कि नहीं बताओ, 25 के बाद चलेगी कि नहीं? चलेगी, अगर बॉडी चलने लगेगी तो फ्रिक्शन कैसा लगेगा? मैक्सिमम लगेगा, मतलब 25 लगने लगे है ना, अब बॉडी चल रही है, अब चलते ही बॉडी पर फ्रिक्शन का नाम हो जाता है काइनेटिक फ्रिक्शन, जैसी बॉडी चलने लगती है फ्रिक्शन कौन सा लग रहा है? काइनेटिक, और काइनेटिक फ्रिक्शन आपका बेसिकली थोड़ा सा कम होता है, ये काइनेटिक है जो कि म्यू के एन होता है, और ये वाला होता है म्यू एस एन, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो कम होता है किससे? म्यू एस एन से। ये पूछ सकते हो आप क्यों कम होता है, बट फिर वही है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, वो इम्पोर्टेंट तो है नहीं है ना, लेकिन होता कम है ये तय है, या प्रैक्टिकली देख चुके हो, मैं बता देता हूँ क्यों कम होता है, पहले आप यहाँ तक लिख लो, और जब क्वेश्चन करेंगे और क्लैरिटी आएगी, थर्ड नंबर की प्रॉपर्टी हो गई तुम्हारी। अब इसमें नाम समझ लो, पहले जब बॉडी चलती है तो कौन सा फ्रिक्शन लगता है? चल रही है, मूव कर रही है, काइनेटिक, तो म्यू के नॉर्मल, मतलब 25 नहीं लगेगा यहाँ पे, 25 से थोड़ा कम होगा, 24, 23 वो दे रख, कोई बात नहीं, दिया होगा, आप घबराओ मत, वो म्यू एस की वैल्यू कितनी है? 0.5, तो म्यू के की हो सकता है 0.45 हो या 0.4 हो, तो वो आपको गिवन होगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। और इससे पहले तो आपको पता ही है क्या लगेंगे फ्रिक्शन, तो इससे पहले जो फ्रिक्शन होता है ये वाली लाइन पर, इसमें बॉडी चलती है नहीं, तो इसमें फ्रिक्शन का नाम क्या है?
स्टैटिक पिक्सल। ये म्यू एस एन से ज्यादा कि म्यू एस एन से कम? कम। और यहां पर म्यू एस एन, ये भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, स्टैटिक लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब, लेकिन ये मैक्सिमम वाला है, इससे ऊपर अब नहीं चल पाएगी बॉडी, मतलब सॉरी इसके बाद चलने लगेगी बॉडी। ये मैक्सिमम है जहां तक वो बॉडी को रोक सकता है मूव करने से, मूव करना वर्ड नहीं बोलना चाहिए मुझे, स्लिपिंग होने से रोक सकता है। तो जब तक स्लिपिंग नहीं होती तब तक फ्रिक्शन का नाम क्या है? स्टैटिक। जब स्लिपिंग जस्ट होने वाली है, बिल्कुल एंड पहुंच चुका है, तब नाम क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जब स्लिपिंग शुरू हो जाए, तीन तरह के फ्रिक्शन है। इसमें से क्या हम इसकी वैल्यू हमें पता होती है पहले से? क्या स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, अगर मैं फोर्स नहीं दे रहा, नहीं सुनो, फोर्स नहीं दे रहा तो क्या हमें पता है वैल्यू एक्चुअल में? क्योंकि ये फोर्स पे डिपेंड करेगी, अगर फोर्स 10 है तो 10 होगी, 15 है तो 15 होगी, तो इसकी वैल्यू हमें नहीं पता होती। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा सकते हो आप कि नहीं पता। और इसकी वैल्यू हमें पता है मैक्सिमम वाले की, और इसकी भी हमें पता होगी। तो इसका मतलब सर, अगर ये वाला क्वेश्चन आया जिसमें अभी चला नहीं है बॉडी, स्लिपिंग नहीं हो रही, तो उसमें फ्रिक्शन एक अननोन वैल्यू है। यहाँ जस्ट चलने वाली है तो फ्रिक्शन नोन है, और यहाँ भी फ्रिक्शन नोन है। यहां तक समझ में आया? एक क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, उससे इसके ऊपर ही बहुत सारी क्लैरिटी हो जाएगी आपको, देखना। आज टीपीपी वगैरह कुछ नहीं दे रहा, क्योंकि कुछ पढ़ाया नहीं हमने खास, कल ही करेंगे अब तो। फोर्स अगर 30 न्यूटन है तो उस केस में एक्सेलरेशन क्या होगा और फ्रिक्शन क्या होगा? फोर्स अगर, करते जाओ, चार तीन चार सवाल है, 40 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा और फ्रिक्शन क्या होगा? फोर्स अगर 60 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन क्या होगा, फ्रिक्शन क्या होगा? फोर्स अगर 50 करो और यहां 60 करो, जरा चार सवाल। कोई भी अगर नया बच्चा है तो ग्रुप में ऐड करा लो भाई, इस नंबर पे अपना नाम और मैसेज कर देना, नाम अपनी क्लास मतलब बैच, ठीक है? और पुराने लेक्चर्स अपने कंप्लीट करने शुरू करो धीरे धीरे।
तो आपका 30 न्यूटन फ्रिक्शन मैक्सिमम कितना है हमारे पास? म्यू एस नॉर्मल 0.5 इंटू 100 50 न्यूटन है कि नहीं? तो अगर मैक्सिमम मेरे पास 50 न्यूटन है और मैं 30 लगा रहा हूँ तो भैया फ्रिक्शन अपनी वैल्यू क्या कर लेगा? एडजस्ट कितनी कर लेगा? 30। और एक्सलेशन? वेरी गुड। इधर 40। और एक्सलेशन इधर? हाँ अभी 50, क्योंकि 50 तो हो सकता है ना, ये वाला 50 तो मेरे पास अवेलेबल है ना, तो यहाँ पर भी फ्रिक्शन अपनी वैल्यू क्या कर लेगा? 50। और एक्सलेशन? तो इन तीनों केस में ही एक्सलेशन क्या आएगा? जीरो आएगा। और फ्रिक्शन अपनी वैल्यू क्या करता जा रहा है? एडजस्ट करता जा रहा है। 30 कर ली, 40 कर ली, सामने वाले के हिसाब से, सामने वाला कैसा है, 50 कर ली, ठीक है। अब सामने वाला 60 हो गया है ना, बहुत बड़ा हो गया, अब फ्रिक्शन की बस की बात नहीं है, अब बॉडी चलने लगेगी, 50 से ज्यादा हो गया 60, चलने लगेगी, तब क्या होगा? तब यहाँ 50 लिखोगे? 50 नहीं, अब 50 नहीं आएगा, है ना। अच्छा एक और बात है सर, अगर मान लो ये क्वेश्चन में ये बहुत होता है, क्वेश्चन में गिवन ही नहीं होता, तो ये गिवन नहीं होता कई बार, तब हम म्यू एस और म्यू के को सेम मानते हैं जब गिवन नहीं होता, ऐसा होता है। ये कहीं पे लिख लो स्टार बना के, इफ म्यू के एंड म्यू एस। देखो जो शॉर्ट नोट्स कह रहा था वो बच्चा कि अब एक कॉपी अलग से बना लो शॉर्ट नोट्स की, वो स्टार ही तो है शॉर्ट नोट्स, और क्या है, तो बन रहे हैं ऑलरेडी। मैं वो थोड़ा सा बच्चे वैसे ही बोल रहे थे, कोई बच्चे ज्यादा टाइम निकाल पाते हैं, मैं थोड़ा सा यहाँ पे उनकी बातों में थोड़ा चेंज करना चाहूंगा कि कोई भी आप चीज करो, क्योंकि कर नहीं पाओगे, उतना टाइम नहीं होता आप लोगों के पास, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा यही नोट्स रहने दो, इन्हें हाईलाइट कर लो जहां जहां आपको जो जो आपको शॉर्ट करने, अगर आप टाइम है तो कर लो, लेकिन अगर आपको लगता है टाइम नहीं है तो नहीं हाईलाइट करो। मतलब मैं अगर मैं अपना बोलूं तो मैं तो ऐसे कर रहा था अपने टाइम पे, मतलब नोट्स को ही बार बार पढ़ते रहो, बार बार उन्हें ही हाईलाइट करते रहो, हाईलाइट में करवा रहा हूँ आपको, स्टार बनवा रहा हूँ, वो हाईलाइट हो रहे हैं, उन्हें आप एक हाईलाइटर लो और उसे मार्क कर लो, बस फटाफट फटाफट रीड करो। वो जो बच्ची भी कह रही थी कि आपको करना क्या है, कि फॉर्मूले रिवाइज करने, फॉर्मूले हम भूल जाते हैं, ठीक है। और अभी शुरू का मतलब है बस एक डेढ़ महीना फिजिक्स आपने दे भी दिया, खैर वो टाइम फिजिक्स को ज्यादा टाइम दिया है बहुत लोगों ने, है ना, उनका इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, इस बार मार्क्स भी अच्छे हैं आप लोगों के, तो वो फिजिक्स को और थोड़ा एक डेढ़ महीना और दे दो, बस उससे बाद नहीं, फिर हम वो जो लड़की बोल रही थी हम उसके श्रीया त्यागी के हिसाब से चलेंगे, हम अब शॉर्टकट्स और फॉर्मूलों पे जा जाएंगे। अभी हम एक महीना थोड़ा सा और टक्कर मारेंगे क्वेश्चन में, उसका बंद कर दो, उसके बाद थोड़ा सा टाइम कम है ना आप लोगों पे, आपका केस थोड़ा सा अलग है, ठीक है। तो आपके पास टाइम अगर कम होता है तो फिर हमें स्ट्रेटेजी हल्की सी चेंज करनी है बस, लेकिन एक काम बिल्कुल परफेक्ट है, एक चीज टेस्ट देने है, ज्यादा पढ़ना है और डीपीपी बार बार रिवाइज करनी है। तो आप जरा इधर आओ, आपका अब लगेगा म्यू के, क्योंकि आपके पास म्यू के है, अगर म्यू के नहीं होता तो फिर म्यू के और म्यू एस बराबर होते हैं। इफ म्यू के इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन म्यू के इक्वल टू म्यू एस, लिख ली, इफ म्यू के इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन देन म्यू के इक्वल टू म्यू एस, और गिवन है तो फिर कोई कर दोगे अलग, तो गिवन के हिसाब से कितना आएगा म्यू के एन, म्यू के कितना है 0.4 इंटू 100 40, तो फ्रिक्शन आप देखेगा चल रही है बॉडी तो 40 लगेगा, और एक्सलेशन कितना आएगा फिर 60 40, 60 आगे 40 पीछे, 60 आगे 40 पीछे, करो एक बार। क्या मैं आपको थोड़ा सा गाइड ये भी बोल कर सकती हूँ कि फिजिक्स में यू ऑल नीड इज प्रैक्टिस, अगर आप अपने टेस्ट मिस नहीं करते हैं, सारे टेस्ट देते हैं, जितनी भी आपकी प्रिपरेशन है उसी में, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रिपरेशन नहीं हो पाई है फिर भी टेस्ट को छोड़िए मत और टेस्ट दीजिए और अपने क्वेश्चंस का एनालिसिस कीजिए और अपने डाउट्स
हमेशा क्लियर कीजिए जितना जल्दी हो सके उतना, और बस प्रैक्टिस आई वुड से एंड सॉल्व मोर क्वेश्चन, जितने हो सके उतने ज़्यादा क्वेश्चन यू शुड सॉल्व। और केमिस्ट्री और बायो में तो हमें मेमोराइज का ज़्यादा होता है, बट फिजिक्स इज समथिंग लाइक तुम्हें क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे, सर की DPP करिए और कोई एक बुक फॉलो यू कर सकते हैं आप। अगर आप एक से ज़्यादा बुक पर जाएंगे, कुछ चैप्टर्स हैं जिनमें आपको एक से ज़्यादा बुक्स की नीड होगी, बट अगर आप ज़्यादा बुक्स में मतलब टैंगल्ड हो जाएंगे फिर आपका दिमाग भी थोड़ा मतलब आप समझ नहीं पाओगे कि क्या कॉन्सेप्ट है। और तो थोड़ा मटेरियल फॉलो कीजिए, सर का मटेरियल इनफ है, वैसे सर बहुत सारे क्वेश्चन कवर करते हैं, बट फिर भी अगर थ्योरेटिकल थोड़ा बहुत आपको चाहिए तो आप एक बुक फॉलो कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट एग्जाम में कैसे करा आपने, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में, बायो पहले करी फिजिक्स पहले करी, कितना टाइम लगा? क्योंकि आप पिछले एग्जाम में, क्योंकि सबसे अच्छा यही बता सकती है आपको, बिकॉज पिछले एग्जाम में थोड़ा पैनिक हो गई थी सिचुएशन, है ना, और उसी की वजह से मेरे ख्याल से 595 थे या 90 थे। अच्छा हाँ, तो वही 5 फाइनल में हमेशा घट जाते हैं जब फाइनल मार्क्स आते हैं, क्योंकि ये हर बार ना, ये भी इस बार भी मेरे ख्याल से बच्चों के 15 मार्क्स प्रॉब्लम। चलो वो तो जो भी है, खैर अभी भी एक ऐसी रैंक है आपकी, आपको जो भी कॉलेज चाहिए होगा ऑलमोस्ट अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो वो मुझे कि टाइम मैनेजमेंट पिछली बार क्या गलती रही और उसको इस बार कैसे आपने ठीक करा, है ना, इस बार। पिछली बार जो सेक्शन बी आया था तो उसके चक्कर में मेरा बहुत ज्यादा टाइम का मैनेजमेंट गलत हो गया था और मेरी OMR फिलिंग में बहुत मिस्टेक्स हुई थी। तो आप टाइम, मैंने सबसे पहले बायो करी थी, बायो मेरी 35 मिनट्स में मैंने कर ली थी और केमिस्ट्री मेरी सबसे स्ट्रॉन्ग थी आई शुड से, पर फिर भी उसमें मेरे बहुत कम मार्क्स आए। केमिस्ट्री को मैंने 25 मिनट्स में कंप्लीट कर लिया था, फिर मैंने एक बार और बायो और केमिस्ट्री को रिवाइज करा। फिजिक्स के लिए मेरे पास काफ़ी टाइम था, मैंने फिजिक्स को 2 बार रीचेक भी करा, बट केमिस्ट्री का शायद मैंने थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में गलत कर लिया। तो आपको पेपर के हिसाब से चलना होगा कि अगर पेपर आप पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपका कोई पोर्शन स्ट्रांग है और मेन पेपर में जाकर कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं और आप जल्दी कर देते हैं उसे, तो वो भी थोड़ा रह सकता है आपके, मतलब थोड़ा आपको क्वेश्चन के हिसाब से जाना होगा। बट आई वुड से फिजिक्स के लिए मैक्सिमम टाइम हमेशा बचाना चाहिए, 1 आवर तो चाहिए फिजिक्स को। में जो उन बच्चों ने भी ये बात बोली कि आपको आपने केमिस्ट्री ओवर कॉन्फिडेंट में कि आपने आसान लग रही है तो जल्दी करते गए, उसमें गलत हो गए, है ना। पेपर अगर आसान आ जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे जल्दी कर दो, जो टाइम लिमिट है उसे पूरा यूज करो। जैसे शायद ये गलती रही बच्ची से कि भाई 25 मिनट्स में केमिस्ट्री कर ली, तो उसकी वजह से क्वेश्चन कुछ, जबकि केमिस्ट्री सबसे स्ट्रांग थी, तो वो गलती नहीं करनी, है ना। उसको भी ध्यान में रखना है कि एग्जाम में वाली गलती नहीं करनी कि अगर आसान भी आए तो जल्दी करना है, है ना, वो भी ध्यान। ना जल्दी का मतलब ठीक करना है एक डिसेंट टाइम में जो होना चाहिए, भाई 25 मिनट तो मुझे लगता है कम है, एक्स्ट्रा और दे सकते थे तो वो। और रीचेक में क्या होता है, रीचेक में गलती मिलती नहीं, अपनी गलती खुद ढूंढना बहुत मुश्किल है, ठीक है। तो अगर सर आप कुछ कहना चाहेंगे बच्चों के लिए, कोई सजेशन? बच्चों को मैं तो यही कहना चाहूँगा, अपना लगातार प्रैक्टिस, रुकना नहीं है, चलते रहना है, चलना ही जिंदगी का काम है, चलते रहोगे तो सफलता मिल जाएगी। और ये अंकुर जी हैं, इनसे अच्छा शायद ही कोई मेरठ में फिजिक्स पढ़ाता हो। एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि अपने अध्यापक के टच में रहें। पिछली बार इनका सिलेक्शन ना होने का कारण केवल ये रहा, ये टच में नहीं रहे। मैंने इन्हें खूब कहा कि जो भी प्रॉब्लम आ रही है टीचर से पूछो, मोबाइल में मत देखो आप, मोबाइल से आपको गाइडेंस मिलता है लेकिन फिर भी आप टीचर से पूछो। टीचर के टच में रहोगे तो नया कोई ना कोई तरीका आपको बताएगा और आपको सफलता अच्छी मिलेगी, ये मेरा कहना है। और ये अंकुर दत्त जी बायो में अच्छा पढ़ाते हैं और GK सिंह जी हैं वो केमिस्ट्री में, ये जो लोग हैं ये टॉप हैं मेरठ में, आप इनकी गाइडेंस में रहिए। धन्यवाद। तो एक सर ने बहुत अच्छी बात बोली कि हेजिटेट मत करो,
ठीक है, कुछ लोग बहुत हेजिटेट करते हैं और उसकी वजह से नुकसान हो जाता है कई बार, है ना। तो अपने जो भी सवाल हैं कभी भी एनी टाइम उन्हें पूछो, ठीक है, और कोई हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, चलो फिर क्लास भी मैं ऑफ ही कर रहा हूँ, है ना, कल करेंगे हम इसे। या एक मिनट रुक जाओ, अभी एक मिनट के लिए रुक जाओ, मैं एक बार दोबारा आके वाला पार्ट रह गया ना, जरा सा उसको करा ही देता हूँ। हाँ भाई, आवाज नहीं। ये आपके पास फोर्स 60 न्यूटन है, फ्रिक्शन 40 है, तो इसमें बस सॉल्यूशन तो बस यही है, 60 आगे 40 पीछे, तो कितना हुआ, 60 आगे 40 पीछे 20, 20 बटे 10, तो कितना आ रहा है, तो 20 बटे 10 कितना आ जाएगा, तो 20/10 इक्वल टू 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बस आप टॉपर बच्चों से मिल रहे हो, आते रहेंगे जब भी बच्चे, और वो वाले भी आएंगे। अब वो कब आएंगे, अगर आपके बैच में आए तो आपको बाकी से मिलवाऊंगा। ये वो थे जो 650 660 से ऊपर है ना, मेहनत करो भाई। देखो ये बच्ची ने तो बहुत ही मेहनत करी है, इसने तो इसका सेकंड ड्रॉप था एक तरह से, है ना, तो बड़ी मेहनत करी, पहली बारी में 590 रह गए, 595 कितने थे इसके, और एक सिस्टर सेलेक्ट हो गई और एक नहीं हुई, तब और दुख होता है ना। जब वो वाला डायलॉग है ना आपका, दोस्त फेल हो जाए तो दुख होता है, दोस्त टॉप कर जाए तो और ज्यादा दुख होता है ना। तो लेकिन वो दुख नहीं होना चाहिए आपको, हो सकता है अपॉर्चुनिटी मिली हो, जो पिछली बार बच्चे 400-500 में रहे होंगे, वो बहुत अच्छा स्कोर कर, ऐसी तीन लड़कियां थी एक बार, उनके तीनों के 400 समथिंग आए 12th में, 400 अच्छी थी पढ़ने, 430 420 ऐसे, और फिर उन्होंने ड्रॉप करा, तीनों ने, तीनों फ्रेंड थी, फिर तीनों के 600, एक के 645, एक के कुछ 32-33 और एक के 27, तीनों सेलेक्ट हुई। तो कई बार अपॉर्चुनिटी भी लेके आता है ड्रॉप, है ना, तो हो सकता है इस बार आप और अच्छा स्कोर करो और अच्छा कॉलेज मिल जाए। अब जैसे इसकी सिस्टर के 605 थे तो उसको कॉलेज थोड़ा नॉर्मल मिला, अब इसको कॉलेज जो मिलेगा वो बेस्ट मिलेगा 665 पे। ठीक है, करो मेहनत, है ना, यही है मेहनत करनी। और एक बात उन्होंने बोली भी कि हेजिटेट नहीं करना, अपने डाउट अपने पूछते चलो। तो बहुत सारे इनपुट्स मिले आपको, इन्हें सोचो घर जाके और उन्हें फॉलो करो, और हर चीज फॉलो करोगे तभी निकलेगा एग्जाम।